हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक गुड न्यूज की बात करने वाले फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज है कि टिकटॉक बैन हो गया फ्रेंड्स। जब से 2020 लगा कोई गुड न्यूज नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो कोरोना वायरस ने सबसे बड़ा बैड न्यूज दे दिया, फिर उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज की डेथ हो गई। इतना बहुत ज्यादा बैड न्यूज ही आई थी, जहां पे भी टीवी पे देखो, फोन पे देखो, सिर्फ मौत 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 मौत, कोरोना से इतनी की मौत हो गई, कोरोना से इतने लोग की मौत हो गई। बस यही सारे खबरें अगर न्यूज चैनल पे खोल लिया तो सब यही सारे खबरें मिलती थी। तो आज फाइनली एक गुड न्यूज आई है कि टिकटॉक फाइनली बैन हो गया। यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि अगर जो टिकटॉक पे जो पब्लिक थी अब यूट्यूब पे आ जाएगी, और यूट्यूब पे पब्लिक ऑडियंस ज्यादा हो जाएगी। टिकटॉक से ज्यादा पहले भी थी, लेकिन अब एक्टिव ऑडियंस ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अगर टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक को छोड़ के यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा उनको वीडियोस को देखने के लिए। तो यूट्यूब के ऑडियंस ज्यादा हो जाएंगे, हम लोग को फायदा होगा, हमारे व्यूज आएंगे, ज्यादा हम लोग को ही फायदा होगा। अगर आप लोगों के लिए भी ये फायदा ही होना चाहिए कि टिकटॉक बैन हो गया, अगर ये बैन ना होता तो आप क्या यूज करना बंद कर देते? आप यूज करते फ्रेंड्स, ये मतलब ये पक्का था कि आप यूज जरूर करते अगर टिकटॉक बैन ना होता फ्रेंड्स। इसलिए मोदी जी ने इसको बैन कर दिया है, कल शाम को इसको बैन कर दिया गया। और इसके साथ 59 एप्स और बैन किए गए हैं, वो उसका हम स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये उसका स्क्रीनशॉट, मतलब जिसमें जो भी एप्स हैं ये सारे ऐप बैन हो गए। जैसे हो गया एक्जेंडर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, और लाइकी हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, सब कुछ बैन कर दिया गया फ्रेंड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए ये सारे ऐप बैन कर दिए गए फ्रेंड्स। तो सोच सकते हैं ये सारे इतने ऐप बैन किए गए हैं हम लोग के लिए ही फायदा के लिए, कि हम लोग यूज ना करें, जिससे चाइनीज थोड़ा चाइना को थोड़ा नुकसान हो जाए फ्रेंड्स। तो और एक क्वेश्चन था सभी लोगों के मन में, सभी बच्चों के मन में, कि क्या पबजी बैन हुआ है फ्रेंड्स? तो सुन लीजिए कि पबजी क्लियरली बता दे रहा हूँ आपको, पबजी बैन नहीं हुआ है। क्यों नहीं बैन हुआ है ये भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई ये भी तो चाइनीज ऐप है, ये क्यों नहीं बैन हुआ? तो ये भी सुन लीजिए क्लियरली फ्रेंड्स, सुन लीजिए कि चाइनीज ऐप नहीं है पबजी, एक चाइनीज ऐप नहीं है, ये कोरियन ऐप है फ्रेंड्स। ये सुन लीजिए कि ये कोरियन ऐप है, ये चाइनीज ऐप नहीं है, इसलिए पबजी को बैन नहीं किया गया। अगर ये चाइनीज ऐप होता तो भी इसको कोई रोक ना पाता, ये भी बैन हो जाता। ये कोरियन ऐप है इसलिए पबजी बैन नहीं हुआ, और जो भी चाइनीज ऐप थे 59 ऐप्स, ये सारे ऐप्स को बैन कर दिया है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो कैसी लगी और आपके लिए गुड न्यूज है बैड न्यूज है, सारे कमेंट्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जाए हिंद जय भारत।